सात चिप्स ले लो। माफ कर भाई। भैया चिप्स ले लो। साहब चिप्स ले लो। मैम चिप्स ले लो। भैया चार चिप्स दे दो। चार ये लीजिए, ये लीजिए चार चिप्स। कितने हुए? 45 रुपए। 45 रुपए? यार तुम सड़क छाप लोगों ने तो लूटी मचा रखी है। 45 रुपए कैसे जब 40 रुपए बनते हैं? तो मैम इतनी धूप में काम करते हो और इतनी दूर से लेके आते हैं, 5 रुपए फालतू मांग लिए तो कौन सा ज्यादा मांग लिया। अच्छा तो नया तरीका ढूंढ लिया है पैसे मांगने का। अरे जब भीख ही मांगनी थी तो मेरे को वैसे ही बता देता, मैं तेरे को वैसे ही 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देती। सुन मेरी बात, तेरे को सिर्फ 40 रुपए दूंगी, 40 रुपए में से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगी। अगर आप 45 रुपए नहीं दोगे तो मैं चिप्स नहीं दूंगा। अरे अरे अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ तुझे पूरे पैसे। बड़ा बदतमीज है यार ये तो। ये ले ले ना। मैं, क्या मैं, हुआ ले 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 ले। मैं, मेरा हाथ, हाथ। मैम प्लीज नीचे करो मेरा हाथ। मैम मैम हाथ, मेरा हाथ, हाथ, मेरा हाथ मैम। इन्हीं गंदे हाथों से छुआ था ना तूने मुझे, मुझे तो 1 रुपया नहीं देने वाली मैं। मैम प्लीज नीचे करो, दर्द हो रहा है मैम। बैठ रहा तू जल्दी, जल्दी बैठ। अरे मैडम इसके पैसे देते जाओ, इस बेचारे गरीब आदमी के आपने पैसे भी नहीं दिए और कितने मजे से चिप्स खा रही हो, कितनी बेशरम हो आप। ओ हेलो, बेशरम किसे बोल रहे हो? मैं तो इस भिखारी को पैसे देने ही वाली थी और वैसे भी ये एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था, मैं क्यों तुझसे एक्स्ट्रा पैसे? और इसने मुझे अपने गंदे हाथों से छुआ, इसलिए मैंने इसको सबक सिखाया। मैं तो नहीं दूंगी इसको 1 रुपए भी, जा जिसको ले आना ले आ। अबे ओए ज्यादा ना प्रधान मत बन, चले जा यहाँ से। एक बार इसे बोल दिया ना इसे पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। अगर मैं पैसे मांगूंगा तो तू मुझे मारेगा। तुम्हारा हाथ ना सिर्फ कमजोर लोगों पे उठ सकता है, मेरे ऊपर नहीं। और तू क्या सोच रहा है, मैं यहाँ पे नया हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मेरा भाई पुलिस में है। अभी रुक जा, मैं बुलाता हूँ कॉल करके। अगर एक कॉल कर दी ना तो तुम दोनों की रात ना हवालात में गुजरेगी। करो कॉल। अरे अरे नहीं नहीं भैया, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस ही हो गए। हम देते ना आपके पैसे। गाड़ी से निकाल। भैया पुलिस को बुलाने क्या जरूरत है? ये ले तेरे, मेरा मतलब आपके पैसे। सॉरी हमें माफ कर दो। सॉरी भैया, हमें नहीं पता था कि आपके भैया पुलिस वाले हैं, वरना हम आपसे उल्टा थोड़ी ना बोलते। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोगों को हैसियत देख के इज्जत देते हो। एक बात कहूँ, इज्जत पाने का हक ना हर किसी को है, और तुम लोग कैसे को धक्का मार रहे हो? तुम्हारी ना औकात भी नहीं इसके सामने खड़े होने की। ये बेचारा अपनी मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम लोग अपने बाप के पैसे पे ऐश करने वाले, तुम्हें क्या पता कि मेहनत क्या होती है? इससे पूछो कि असली मेहनत क्या होती है। भैया अब तो हमने इनके पैसे दे दिए ना, अब हमें भी जाने दो। हाँ हाँ निकलो, और वैसे भी ना तुम जैसे बदतमीज लोगों से ना मुझे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। अच्छा सुन भैया, ये मत सोचियो कि ये थप्पड़ इसके लिए था, ये थप्पड़ ना तेरे लिए था। और आज के बाद ना किसी गरीब के साथ ये हरकत मत कर दियो। निकलो अब। धन्यवाद साहब, आपने मेरे पैसे दिला दिए, वरना लोग तो मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, चिप्स भी ले लेते हैं और मार के भगा देते हैं। देख दुनिया में ना अच्छे लोग भी हैं
और बुरे लोग भी है। तू बुरे लोगों पे ध्यान मत दिया कर। बाकी ये सब छोड़, तू ये बता तेरे को चोट तो नहीं लगी कहीं? नहीं नहीं साहब नहीं लगी। चल ठीक है, अपना ध्यान रखा कर, ठीक है?